कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर हमें मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन जो है वो समझ नहीं आया है, तो क्रोजन बहुत ही इजी लगेगा अगर इसको आप जो हमने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े, आपने उसमें ड्राई सेल पढ़ा, उसमें आपने लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी, तो बेसिकली जो क्रोजन का प्रोसेस है इसको हम समझ सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ जो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के हिसाब से। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है कि जब क्रोजन होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है या अदर मेटल जो होते हैं वो अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिकली उनके ऑक्साइड बनते हैं, जैसे सिल्वर जो है उसके ऊपर जो ग्रे मटेरियल जम जाता है बेसिकली वहाँ पे जो है सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, इसी तरह से आयरन की सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट होता है, फेरिक ऑक्साइड और वो एयर से वाटर ड्रॉपलेट जो है वो अकोमोडेट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में जिसको हम रस्ट बोलते हैं। जो जितना भी क्रोजन का प्रोसेस है चाहे वो कापर का है चाहे वो सिल्वर का है चाहे वो किसी भी मेटल का है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है क्रोजन के दौरान क्या फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म होने का मतलब है कहीं पे कोई एनोड काम कर रहा है, कहीं पे कोई कैथोड काम कर रहा है और कोई ना कोई वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी जरूर है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्ट क्या होती है, रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 टाइम वाटर, यानी कि इसको आप कह सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। तो जी हमने मेटल ले लिया, जी हमारे पास मेटल की सरफेस है, यहाँ पे पिटिंग हुई है मान लीजिए, तो जहाँ पे इम्प्योर मेटल की सरफेस है वो काम करेगी एनोड और जहाँ पे रिडक्शन होगी वो काम करेगी कैथोड। इसको डायग्राम को बाद में चलते हैं, पहले हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म कैसे सेल कैसे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से आया, कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो जो एयर में वाटर वेपर्स हैं और गैसेस हैं मॉइस्चर है वो क्या करते हैं, वाटर वेपर के साथ आपस में कंबाइन होती हैं गैसेस, डिफरेंट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, डिफरेंट गैसेज होती हैं वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, एसिड फॉर्म करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, वाटर वेपर्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है H2CO3 जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये बेसिकली डिसोशिएट होता है देता है H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन। तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइट हुआ, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन डिसोशिएट इनटू आयंस उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये हमारा पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े तो उसमें आपने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोड होती है उसको हमने डिप किया होता है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो आपको मैंने बताया था कैसे याद करना है, पहले इलेक्ट्रोलाइट याद करना है कौन है, फिर आपने एनोड कैथोड एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन क्या है, EMF कितना है उसका, तो वो सारा आपने करना था। यहाँ पे EMF की जरूरत नहीं है, सिंपली आप याद रखिए एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, रिएक्शंस क्या हो रही हैं वो याद रखना है। तो इलेक्ट्रोलाइट का आपको समझ आ गया, इलेक्ट्रोलाइट कैसे फॉर्म हुआ, जो एयर में मॉइस्चर थी या वाटर वेपर्स थे ड्रॉपलेट कह सकते हैं वो गैसेस के साथ रिएक्ट हुए, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बताया आपको, तो कार्बोनिक एसिड बना, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो गया। अब जो इम्प्योर आयरन सरफेस या मेटल कोई भी ले लीजिए उसकी सरफेस जो है वो क्या काम करेगी, एज ए एनोड काम करेगी, जहाँ पे इम्प्योरिटीज होंगे, जहाँ जहाँ पे बेंड होंगे, जहाँ पे खरोचे आई होंगी, क्रैक्स आए होंगे, वो वाली सरफेस जो है वो क्या काम करती है, एज ए एनोड काम करती है। तो वहाँ पे आयरन जो है या कोई भी मेटल ले सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये रिएक्शन होगी एट एनोड पे, रिएक्शन एट एनोड क्या होगा आयरन, जब भी हम रस्टिंग के एग्जांपल ले रहे थे हमने आयरन का ही लेना है, तो आयरन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसने ये माइग्रेट करेंगे जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुई है दूसरी साइड पे, तो इन प्रेजेंस ऑफ जो H पॉजिटिव आयन जी जहाँ पे बने हैं एसिड से या इलेक्ट्रोलाइट से बने हुए हैं, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे दूसरी साइड पे, वो साइड क्या करें काम करेगी एज ए कैथोड काम करेगी। तो एट कैथोड क्या होने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल माइग्रेट टू अदर साइट एंड रिड्यूसेस डिसॉल्वड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो रिएक्शन क्या होगी इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा वाटर फॉर्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, अब जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ 4 हैं, तो इसको आप क्या कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा ये 2F, ये 2F Fe2 पॉजिटिव, ये 4 हो जाएंगे, जब ऐड करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर, तो जी आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगी। तो जी हमारे पास मेटल की सरफेस थी, यहाँ पे कोई साइट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, अब जो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया दूसरी साइड पे चले गए,
जो Fe2 पॉजिटिव था वो भी जाएगा, फेरोसाइन जो है वो आगे रिएक्शन करेंगे कि वो कैसे रस्ट में कन्वर्ट होगा। पर पहले हम इसका बता लें कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से माइग्रेट हुआ उसने ऑक्सीजन को जहाँ पे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये नोड की रिएक्शन लिखी हुई है, जो मैंने लिखी हुई है ये थोड की, ये जो हमने बनाया हुआ है दिस इज रस्ट, जहाँ पे रस्टिंग की फॉर्मेशन हो रही है, जो हम आगे बताते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कैसे फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जो Fe2 पॉजिटिव आयन बने हैं, जिसकी जो आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, जहाँ पे मैं दिखाया हुआ Fe2 पॉजिटिव आयन, ये जाएगा यहाँ पे, जहाँ ऑक्सीजन जो है ये पहले नहीं बना है, ये बाद में बना है, ऑक्सीजन के साथ जो है ये रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। बेसिकली ये वाटर साफ है फॉर्म हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। तो 2 Fe2 पॉजिटिव जो है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में ऑक्सीजन जो होगी जहाँ जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा आयरन ऑक्साइड, फॉर्म हो जाएगा Fe2O3+। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे 8 है तो इसको आप 4 कर लीजिए, तो बन जाएगा आपके साथ ऑक्सीजन जहाँ पे कितने हैं, 4 और 2 6 बैलेंस हो गए, ये बैलेंस हो गए। अब ये जो आयरन ऑक्साइड बना है जहाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये फिर इसकी क्या हो जाएगी हाइड्रोशन, हाइड्रेशन हो जाएगी सारी, हाइड्रेशन मतलब ये जो है मॉइस्चर को कैप्चर कर लेगा, एन टाइम्स वाटर जो है कैप्चर करेगा, क्या बन जाएगा Fe2O3 डॉट लिखा हुआ एक्स, जिसको ये है वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, X1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज रस्ट, इसके ये है केमिकल फॉर्म रस्ट का, मैंने यही बताया था आपको। तो इस तरह से रस्टिंग हो रही है, तो बड़े ही सिंपल वे में आपने बताना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, आपने कहना है कि जो मैकेनिज्म है हमारा किसका, रस्टिंग का या क्रोजन का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है कि जो क्रोजन होता है उसमें क्या फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है। तो इम्प्योर आयरन बन जाएगा एनोड, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्या होगी, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो वो वाली साइड जहाँ पे जो रिडक्शन होगी वो कैथोड का काम करेगी। अब जो Fe2 पॉजिटिव आयन बनेंगे वो फर्दर जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड जो है वो फिर जो है उसकी हाइड्रेशन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। याद रखना है यहाँ पे ये पिटिंग हुई है, मान लीजिए यहाँ पे स्क्रैच पड़ा था आयरन की सरफेस के ऊपर, तो रस्टिंग जहाँ नहीं होगी, रस्टिंग किसी दूसरी और जगह पे होगी, याद रखिए। ये पिटिंग जहाँ हुई थी रस्टिंग यहाँ पे हो रही है, ये जो ब्राउन सा पाउडर बनेगा जिसमें हम बोलते हैं हम लोग क्रोजन रस्टिंग बोलते हैं, तो दूसरी साइड पे होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे नहीं होगी, याद रखना आप लोगों ने। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट पड़ता है आप मुझसे पूछ लीजिए जरूर।